अगर हम किसी मरीज के पास जाएं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लावासता हो इंशाल्लाह। उसके बाद अगर हम फिर से दोबारा आए तो उन्हें एक और दुआ हमने जो बताई थी, अस्सलामुअलैकुम रब्बिल रब्बिल अशी लजमीनिस्फिका वो। अगर हमारे सामने किसी का इंतकाल हो रहा है नजर की हालत में, हम उसे तलकीन करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ रोशन बाजी है, वॉलंटियर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे सपोर्ट में भी रहती है। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी तलकीन कर रही हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर अब मेरे सामने इनका इंतकाल हो गया है, अब इनकी आंखें बंद हैं, आंखें खुली हैं, अब आंखें खुली हैं तो मैं इस तरह से इनकी आंखों करूँगी। अगर ये इंतकाल ये रात में हुआ है और आंखें खुली है, हाथ पैर टेढ़े हैं बिल्कुल, तो आप उसे बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करेंगी। अगर बिल्कुल आपके सामने हुआ है फौरनली, अगर दर्द हो रही है तो आप उसकी आंखों को इस तरह बंद करेंगी, हाथों को सीधा करेंगी और पैरों को नहीं करेंगी। अब इसके बाद जब उनकी आंखें हमने बंद कर दिया है, हम दुआ पढ़ेंगे कि इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह हाजुनी बि मुसीबति व हुवा फी खैरम मिन्हा। अब दुआ पढ़ने के बाद मैयत का ऐलान किया जाता है कि फला वक्त पर जनाजे की नमाज है। हम सब वहाँ पर अगर मैयत के घर में गए हैं तो हमें कब्र की तलकीन करना है। घर वालों के लिए हम जब वहाँ पर गए हैं तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, और वहाँ पर जो दुआ पढ़ी थी अल्लाह फ़ग़फ़िर ली अबी सलमा, तो ये जिस दुआ को हमें जिस शख्स का इंतकाल हुआ है तो वहाँ पर हमें उसकी जगह पर उसका नाम लेना है। जैसे अल्लाह कि अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे, तो उस जगह पर जिसका इंतकाल हुआ है अल्लाह मग़फ़िर ली रोशन बख्श, यानी इनका नाम लेना है, या फिर किसी शख्स जिसका भी इंतकाल हुआ है उस जगह पर हमें वो नाम लेना है। अब इसके बाद हमें अब मैयत के घर वालों के पास अगर हम हैं तो वहाँ पर हमें सब्र की तलकीन करना है, अच्छी बातें करना है, क्योंकि फरिश्ते आपकी हर बात पर आपको कहते हैं। अब तीसरी चीज, अगर हम यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर हमारे सामने मैयत पर गुस्ल देने का वक्त आ गया है, तो सबसे पहले अगर से इंतकाल हो गया है, जैसे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दुनिया से रुखसत हुए तो आपको एक यमनी चादर से ढांपा गया था, तो उसी तरह हमने भी क्या करना है, हमारे सामने किसी का इंतकाल हुआ है से हमें इस तरह मैयत को ढांप देना है। अब हमारे पास मैंने गुस्ल देने का वक्त आ गया है, तो गुस्ल देने के लिए हमें पानी होना, जिसमें बेरी की पत्तियां हमें डालते हैं, साबुन है, मग है, और काफूर होना, खुशबू होना, और जो पूरा तमाम का तमाम जनाजे के एक सेट में आता है। अब हमारे पास दो बकेट होना, दो मग होना और तीन लोग होना, है ना। मैयत को गुस्ल देना बहुत आसान काम है, गायब है, और बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सब चाहे तो ये काम कर सकते हैं। और एक सीजर होना, एक कैंची होना, क्योंकि देखो कपड़े जो उतारना रहेंगे मैयत के वो सीधे सीधे उतर जाते हैं, लेकिन जो जैसे फ्रॉक वगैरह है, कमीज वगैरह है, तो आप उनके हाथ सख्त हो गए तो आप किस तरह उतारेंगे, तो हमें कैंची होना मैयत के कपड़े काटने के लिए, है ना। अब हम यहाँ से हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम मैयत के कपड़ों को उतारते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरू किया, तो यहाँ से हम धीरे से देखिए, हमारे मैयत की पर्दा पोशी बहुत जरूरी है, मैयत की पर्दा पोशी करना है, इसलिए हम इसके बदले मोटी चादर हमें मैयत को ढांकना है, ताकि अगर हम उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं तो उसका जिस्म ना झलके। ये सबको एहतियात करना है कि मैयत के लिए मोटी थिक चादर होना, पतली चादर नहीं होना, बड़ी चादर होना। अब हम यहाँ से सीजर से डाल के दो लोग हैं, एक शख्स इंसान इस तरह यानी इसको चादर को पकड़ेगा, दूसरा उसकी कपड़ों को कैंची से काटेगा और फिर भुंजे से कुर्ते को निकाल देगा। इसी तरह अगर शलवार है तो शलवार को हम सीधे सीधे पैर से खींचकर हम निकाल सकते हैं, और इसी तरह गुर्की भाभी खड़ी है और हम तीन लोग हैं। अब धीरे से हमें इनके कपड़ों शलवार को निकाल रहे हैं।
अब हमें यहाँ पर घुसने की नियत कर लेना है। बिस्मिल्लाह कहकर अब हम घुसने को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पूरे कपड़े मैयत के निकल चुके हैं, हमारे पास में पानी है जिसमें देरी का उबला हुआ पानी है, नीम गर्म पानी जिस तरह से अपनी जिंदगी में नहाती थी, उसी तरह हमारे पास साबुन है जो ये इस्तेमाल करती थी या कोई भी साबुन, क्योंकि अब ये तो बेबस हो चुकी है, ये हमें नहीं बोल रही है, ये मुझे बालों का मसला नहीं रहेगा कि मैं शैम्पू करती हूँ मेरे बाल ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, इस तरह कोई मसला नहीं है। अब ये हमारे सामने है, अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैयत को सीधा हाथ हमने यहाँ पर रखे अपने यहाँ पर एक तरफ में, और दूसरे हाथ से हमने मैयत को इस तरफ फेस करना है, गौर से नहीं करना है पर हल्का हल्का तीन बार कि जो ताकि उनके पेट में नाजुक है वो निकल जाए। एक बार करें हमने, फिर दो बार करें, ये खाना खा के लिए तीसरी बार हमने इस तरह किया, फिर हमने मैयत को बड़ी आसानी से बड़ी प्यार से मोहब्बत से शफक्त से हमने निकाल दिया। अब ये अब हम यहाँ पर अब ये पानी है, एक दो शख्स होना यहाँ पे पानी डालने के लिए अब जैसे, और हाथों में मैयत को बगैर उसके हमें टच नहीं करना है, हाथों में ग्लव्स होना या फिर आपकी जनाजा साइड में जो छोटे छोटे कपड़े आते हैं उनको अपने हाथों में क्या करना है, लपेट लेना है, डायरेक्ट बॉडी में कपड़ा टच नहीं करना है। मैया को डायरेक्ट टच नहीं करना है, अपने हाथों में आप ग्लव्स पहन लें या फिर जनाजा साइड में जो कपड़े आते हैं छोटे वाले वो अपने हाथों में इस तरह बांध लें। अब हम सबसे पहले जो मैया को हमने पेट दबा के पेट जोर से नहीं दबाना है पर हल्का सा प्रेस करना है, इस तरह सीधा हाथ हम यहाँ सर के नीचे लगाएंगे और उल्टे हाथ से हम इस तरह उसके पेट को दबाएंगे, ये एक हाथ देखिए इस तरह मेरी आवाज कैसी आ रही है जी आ रही है। फिर इस तरह हमने एक बार दबाए, फिर दो बार दबाए, फिर तीन बार दबाए। अब हम ये अब इसको बहुत आसानी से करेंगे। अब हमने यहाँ से पानी लेके हमें अब मैयत को क्या करना है, उसी कजाए हजरत या जो भी कुछ उसके पेट से गरादा कर दिए, कभी निकलती भी है कभी नहीं भी निकलती है, तो अब हम इसको रुलाएंगे। अब इस तरह ये मेरे हाथ में ग्लव्स है, आप लोगों को भी ग्लव्स पहनना है, या ग्लव्स नहीं है आपके पास तो आप कपड़ा लपेटिए या जो भी आपके पास मिस करे। एक बहन मुझे पानी देगी, दूसरी बहन यहाँ पर उसको अब इस तरह पहले आप ऐसे को हम खुला नहीं सकते, ऐसा खुला सकते हैं नहीं, अब उसको पहले सीधे तरफ करते हैं, जैसे यहाँ से पानी डालेंगे और खास खास रहेगा सिर्फ पर्दापोशी करने का, ये जो चादर मैयत के ऊपर डालते हैं ये बड़ी चादर होना, जैसे हमारे घरों में डबल बेड की चादर रहती है तो बड़ी चादर होना। अब हम धीरे से इनको दो लोग मिलकर करवट करेंगे, ध्यान रहे ये पर्दापोशी करना है और सारा इसमें खेल पर्दापोशी का है, जितना आप मैयत को छुपाएंगे उतना आप हाँ। अब ये पानी डाल रही है, देखिए हाँ इस तरह से ये पानी डाले, और जैसे टेबल में एक सुराख रहता है, अगर हम जब टेबल मंगाते हैं उसमें एक सुराख रहता है, सीधे जो पानी गंदा रहता है वो सीधे ड्रेन पाइप के जरिए क्या होता है बाहर चले जाता है। अब इस तरह हमने धुला दिए सीधे तरफ, अब हमें उल्टे तरफ करना है। अब दो लोग हमने बड़े से उठाएंगे है ना, तो अब हमें इस तरह अब पानी लेके इस तरफ की कजाए हाजत को साफ करना है, हाथों में हाथों को हाँ। अब हमें इसे इस तरह करके अब ये बहन पानी डाल रही है, हमने ये गलाजत साफ कर रही है और ये पानी जा रहा है, अब ये हो गया, ये सफाई कर ली है हमने, अब हम इसके ऊपर से भी पानी डाल रहे हैं, अंदर से डालना है ना, ऊपर से नहीं डालना है, ये अभी हम देखो बता रहे हाथ साफ करना है पर्दापोशी का। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, वुजू कराना है, जिस तरह हम लोग वुजू करते हैं तो सबसे पहले हम वुजू करेंगे, तो वुजू करने के लिए अब हम एक साथ दोनों हाथों को नहीं धुला सकते क्योंकि ये क्या है मैयत है, समझ में आ रहा है, ये मैयत है तो हम इसको सीधे तरफ
हाथों को खुला है, एक बार दो बार तीन बार इस तरह करके हाँ। फिर इसी तरह हमने पानी भी दिया होगी। अब इस तरह हमने हाथों को खुलाया। अब देखिए होता क्या है कि जब मरीज का इंतकाल होता है तो लोग क्या करते हैं, किसी का हाथ खुला हुआ रहता है। अब इसको हमने गीली करे हुए को और हमें जैसे अब हमें कुल्ली कराना है तो हम उसका पूरा मुंह जबरदस्ती नहीं खोलेंगे, जैसे ये गीली करके हम हल्का सा फिर इस तरह करके ऐसा ऐसा करके हमें साफ करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती मुंह खोल के इस तरह करके हमें दांतों को साफ कर रहे हैं वो बहुत सारे खुराफात करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा हम तरह साफ करना है। अब अगर हम देख रहे हैं कि अब हमें क्या करें, सबसे पहले हाथ धोए फिर कुल्ली करें फिर नाक में पानी डालना है। अब नाक में पानी डालना है तो नाक को किस तरह साफ करेंगे, हल्का सा हमने इसको एक डस्टबिन भी हमें साथ में रखना है ताकि हम ये गलाला पेट में डालते जाएं, है ना। अभी यहाँ पर हम डेमो कर रहे हैं कि मैंने यहाँ रख दी, आपको यहाँ नहीं रखना है। तीसरी चीज अब हमें ये मुंह लेना है, हाथ को गीला करना है, ये पानी में मैंने गीला करी। अब इनके सीधे तरफ मगर बाल औकात यह होता है कि कहीं गिर ना होने की वजह से लोग क्या करते हैं, ये मुंह के लंबे लंबे पाए बनाते हैं और नाक के ऊपर तक एक तरफ डालते हैं फिर फंसते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। मैयत के साथ अपने सुलूक करना है, अगर वो जिंदा रहती है और आप उनको भूख लेकर इस तरह का काम करते आप लोग नहीं करते, इसी तरह मैयत के साथ भी नरमी करना है। अब हमें सिर्फ भूख को गीला करना है, इस तरह पहले सीधे तरह रखा तीन बार कर ले फिर स्पर्श कर ले हो गया, ये नाक हो गई साफ। अब हम चेहरा घुमाएंगे, कैसा घुमाएंगे चेहरा धीरे हाँ। अब ये पानी दीजिए हाथ में लेके हमने चेहरे को घुमाया, पूरा काम उसको करने का भी काम हमने सीधे तरफ से करना है, सीधा हाथ सीधे तरफ हर काम पूरा सीधे तरफ से शुरू करना है। अब हमने चेहरा खुला लिया है, अब उसके बाद हम हाथ धोएंगे तो अब सीधा हाथ कहाँ पे धोएंगे, धोबी से जो अगर इस तरह यानी चावल को पकड़ेंगे जो ये घुमाएंगे तो इसको इस तरह करके हम हाथ धोएंगे, ये एक बार दो बार तीन बार। अब इसी तरह इस तरफ अब ये इस तरह एक बार दो बार तीन बार हमने हाथ को धुला दिए। मैयत को गुस्सा देना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, हम सब यहाँ से सीख कर जाए इस चीज को, इस प्रेम को लेकर जाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कान का मसा करना है, तो हम हल्का सा पानी गीला करके पैदल से उसके कानों का अगर हम उसका साफ कर सकते हैं, अगर वहाँ बाई चांस आपको लग रहा है कि कोई मरीज को मैयत को कान से भी बह रहा है नाक से भी बह रहा है तो फिर आप कॉटन लगा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नाक कान में कॉटन लगाना रखना और मैयत अगर अच्छी भी है उसकी बॉडी भी अच्छी है तो कफन पहनाने के बाद भी बाद लोग क्या करते हैं नाक में हुई कान में हुई, तो हमें इस तरह नहीं करना है। अब इस तरह हमने क्या चेहरा भी बुला दिया है, हाथ भी बुला दिया है, क्लियर भी कर दिया। अब हम पैर बुलाएंगे, अब फिर ये पैर भी बुल देंगे। अब इसके बाद अब हम मैयत पर सीधे तरफ पानी डालेंगे, सीधे तरफ सीधा है ये है सीधा, हर काम सीधे तरफ से शुरू करेंगे हाँ, नहीं इस तरह नहीं डालेंगे मैयत को दो करके हम मैयत को करवट करेंगे दो लोग और फिर धुले धुले खास करके कोशिश का ख्याल रखेंगे और फिर धुले से पानी डाल के एक घंटे जी जो भी साथ में रहेंगे वो पर्दे के ख्याल रखेंगे और पर्दापोशी करेंगे। अब जैसे हमारे पास साबुन था अब हमने इनको साबुन से लगाना, अब हम इन हाँ हाँ साबुन जो भी चीज आपके पास मॉइस्चर है साबुन है शैम्पू है शावर है
अच्छा नहीं नहीं तो कोई मुल्तानी मिट्टी नहीं, कोई रोज वाटर नहीं, कोई कुछ नहीं डालना है। हाँ ये बालों को पूरे खोल लेना है ना, जैसे छोटी बच्ची हुई है पूरे बालों को थोड़ा दूर तो ना मैं वीडियो कर रहा हूँ, आ जाओ अब ये एक बार पूरा हो चुका है। अब आप इसको दो बार तीन बार आप दे सकती हैं। अब इसके बाद अब आपको हाँ ये एक हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जैसे कि मैया जब एक मग्गा पानी में डाल रही हो, एक सिंदूर में डाल रही, तू भी आ जा, तीसरी भी आ जा, चौथी भी आ जा, इसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इस तरह हमने नहला दी, अब हम इसको नहलाएंगे साबुन से। अब जैसे अभी तो हमने पानी से पहले वुजू कर ले, अब हम पूरे मैया की बॉडी में साबुन लगाएंगे अच्छे से, क्योंकि मैया को तीन बार वुजू कर देती। अगर तीन बार के आगे और ज्यादा आपको गंदगी लगती तो आप पांच बार दे सकते हैं, सात बार दे सकते हैं, लेकिन आखिरी में आपको काफूर का पानी डालना है। काफूर जैसे इसके अंदर ये समझ लीजिए कि काफूर है, और एक बाल्टी में मैंने काफूर जैसे पिसा हुआ एक पाउडर आता है, काफूर का पानी मैंने एक बकेट में बना ली, बस ही बना ली। नहीं आप सीधे डाल सकते पानी, एक बार दो बार तीन बार। हाँ हाँ दूसरी बार हमने आता है और
कमीज अलग आती है, शलवार पजामा अलग आता है, ऊपर कभी आता है, तो ऐसा भी है तो चल जाएगा। नहीं है, तीन चादरें आपके पास सरल एक जैसी है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो तीन चादरों में कफन भरना है। समझ में आ रहा है? अगर पांच नहीं दे दिए है तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आ गया उसमें पांच है, पांच आ गए आप देख लीजिए, हाँ आ गया है तो आप देख लीजिए, नहीं आया है कहीं गांव में है आप परेशान हाल हो, अगर वहां पर तीन चार में मौजूद है तो आप कितने भी दे सकते हैं। जैसा कर रहा हूँ मेरी बहन, देखो भाई सारा जो मसला है वो है दिमाग का। आपका उस वक्त होश में होना, मैया से नहीं घबराना। अब ये देखिए यहाँ पर अगर आप हम कफन दे रहे हैं, आप कफन के लिए ऐसा नहीं कि आपने अपनी मैया से कुछ दे दिया है और आपने मैया से कुछ दे दिया है और आपको कफन में दे दिया और आप लेकर आपको खड़े से नहीं, इस तरह नहीं करना है। मैया को अगर आपको दूसरे कमरे में लेकर जाना है वहाँ पर पहले से आपको जमीन में हो या कोई पलंग के ऊपर हो तो वहाँ पर इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले से पिछा के रखना होगा। अब मैयत के लिए हमने मैयत को सूखी चादर में ढांप दिया था, पीली चादर निकाल दिया था, अब मैयत को लेकर आना है हमें वहां से। सबसे पहले वो बांधने वाली वो डाल रहा है इस तरह है ना, तो ये देखिए इस तरह हमें कफन को, हाँ ये ना हाँ देखिए अब हम ये दो तीन चार हम मैयत को लेकर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह जोकी बाजी हमारी कोऑर्डिनेटर है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये शायद ये पूरे काम को अंजाम देंगी। अब ये हमारी बयान देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं, जबरदस्त। देखिए जो सूखी चादर ये चादर हमने ढांक कर जब ये गीली चादर को हमने निकाल दिया था, गीली चादर को निकालने के बाद हमने मैयत को इस चादर में लेकर आए, चार लोगों ने पकड़ कर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने कहा कि मैयत की पर्दा सूखी होनी चाहिए, मैयत को भी मैया को कफन बनाना किस तरफ से करेंगे, सीधे तरफ से, सीधे तरफ से। ये देखिए इनका सीधे तरफ से, जैसा कि हम घर पर देखें तो बाजी ऊपर से ढाका तो पकड़ के लेके कैसे आएंगे, फिर नीचे भी बेडशीटें डालना पड़ेगी ना। हाँ वो जब अपन डालते हैं ना दो बेडशीट डालते हैं, एक ऐसे नीचे से और एक ऊपर से, और फिर इस तरह पकड़ के लेकर आते हैं, लेकर आ रहे हैं वहां। पहले पांव से साइड करते हैं, अभी रुकिए अभी नहीं कीजिएगा, ये एक हमने पहले इस तरह डाले सीधे तरफ से, चादर निकाल दें ना। हाँ अभी देखिए अभी निकाल देंगे चादर तो मैयत की पर्दा पोशी नहीं होगी, इसलिए हाँ अभी निकाल रहे हैं, एक सेकंड रुकिए किस तरह निकालना बता रही हूँ। एक ये हमने ये डाले इसके ऊपर, फिर अब दूसरा डाले, अब धीरे से हमें क्या करना है, पैर की तरफ से उस चादर को खींचना है, क्योंकि अब क्या हुई मैयत थक गई, अगर हम पहले निकालेंगे मैयत थकी हुई रहेगी, धीरे से हमें वो क्या करना है, दो लोग मिलके इसको इस तरह करें, धीरे से हमें खींचे, हाँ
निकलेगी चादर हमारी। समझ में आया चादर किस तरह निकलेगी? अब फिर इधर से शुरू करेंगे, सीधी तरफ से शुरू करें हमने। नहीं पड़ा वही देखिए नेचर वाला निकल गया, आसानी से निकल गया। और देखिए पहले ही हमें ध्यान रखना है, बस हमें पहले डालना है पहले ये जो बल है ये हमें पहले लगाना है, क्योंकि अगर बाद में भी अगर आपको याद आया नीचे वाली छोड़ के उसे बॉडी पे उठा के डालना है, क्योंकि मैयत को आपको उठाना पड़ेगा इस तरह, इसलिए पहले ही हमें ऐसा हो जाए तो ये इस तरह हो गया। अब देखिए अब इसको हमें बांधना शुरू करना है, ये इधर हमने ये बांध दिए, अब इसको बांधना है, इसको टाइट बिठाने पर से नॉट बांधना है, जैसे जैसे एक बांध हो जाती है ना उस तरह करके एक ही बार बांध। हाँ राइट, नहीं जब भी बोल नहीं 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 स्ट्रेट सब सबके पास है, पीछे करना है। अभी हमारे ये छोटी भी बन गई है, इनकी बाल हमने पोंछ लिए थे। आप कंघी का भी कुछ बोलते हैं तो रुक कर जी हां अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा बन रहे हैं या कुछ है तो आप कंघी भी कर सकते हैं। वो कुछ रहता हो बांधने के लिए पीछे नहीं जाएगी, यहाँ आ रहे हैं। हम बैठने के जब हमने कफन बैठे
लेडीज का भी लेडीज मामा मैं लेडी हूँ करने देना है नहीं।